प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में करीब 9 लाख किसानों को 2,000 रुपए की अग्रिम राहत दी गई है। केंद्र सरकार ने किसानों को कोरोना राहत के रूप में सीधे उनके खातों में आर्थिक मदद पहुंचाई है। लॉकडाउन के दौरान किसानों को इस पैसे से खाद व बीज खरीदने में मदद मिली है। कुल्लू जिले के किसानों ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हमें 2,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। 2,000 रुपये का इस्तेमाल हम बीज खाद के लिए उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। 2,000 रुपये किसान योजना से मिल रहे हैं, उसका हम बीज के लिए उपयोग कर रहे हैं, जो कि मेरे खाते में भी 2,000 रुपये आए हैं। इसका मैं बीज का उपयोग कर रहा हूँ। मैं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री का आ रहे हैं, 2,000 पीछे भी आए हैं, बीवी आ रहे हैं, उसके लिए हम बीज खाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हूँ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करती हूँ। इस बीच प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत भी लाखों बीपीएल परिवारों को 3 महीने का मुफ्त राशन दिया जा रहा है। शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र के बीपीएल परिवार मुफ्त राशन मिलने से खुश हैं। सुंदरलता है, मैं शिमला की रहने वाली हूँ। मोदी सरकार ने हमें फ्री में राशन दिया, जिसके हमें बहुत सुविधा हुई और हम खेती मजदूरी करते हैं। दिक्कत भी आई थी और उसमें मोदी जी ने बहुत सहयोग दिया। हमारे को लॉकडाउन में मुफ्त का राशन मिला, हमारे को मोदी जी ने बड़ी सुविधा दी, हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं जी। ये आजकल जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में बहुत मुश्किल होती है, जो कि आजकल ना बाहर निकलने का मौका मिलता है, तो घर में ही अंदर, तो इसलिए जो हमारे को मोदी जी ने राशन दिया है, इसके हम बहुत बहुत आभारी हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज देश के गरीब परिवारों को राहत पहुंचा रहा है और इससे उनके चेहरों पर रौनक आई है। डीडी न्यूज के लिए रामपुर से विशेषर नेगी और कुल्लू से तुलसी भारती की रिपोर्ट।